क्वेश्चन नंबर 4, हेमंत एक छोटा व्यापारी है तो समस्त प्राप्ति राशि बैंक में जमा कराता है, जो पैसा है उसके पास कहाँ जमा कराएगा, वो बैंक में। और पेटी एक्सपेंसेस के अलावा जितने भी खर्चे होते हैं वो सब कहाँ जाएंगे, आपके बैंक में। केवल पेटी एक्सपेंस कहाँ जाएगा, आपके पेटी अगर कोई खर्चा हुआ तो वो कहाँ जाएगा, आपके कैश अकाउंट में। देखो पेटी कैश एक्सपेंसेस के अलावा सारे खर्चे कहाँ से जाएंगे, आपके चेक से। पेटी एक्सपेंसेस को आपको ध्यान रखना है, वो जब भी आए आपको तो कैश में रखना है, बैंक में नहीं रखना है। फिर भी देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक लिख दिया इसने क्या कि सभी खर्चे जो पेटी कैश में होंगे वो सब क्या होंगे आपके, वो सब आपके चेक से होंगे। चेक से नहीं मतलब इसके अलावा सारे क्या होंगे, आपके चेक से होंगे। अब आगे दे दिया पेटी एक्सपेंसेस के लिए प्रत्येक माह को 500 रुपए निकालता है, ये केवल पैसे निकाल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा कि आपके ड्रॉइंग के लिए, ड्रॉइंग तो है नहीं मतलब व्यापार के लिए निकाल रहा है। तो बैंक से पैसे निकलेंगे और कहाँ आ जाएंगे, आपके कैश में आ जाएंगे, क्योंकि बैंक से गया पैसे निकाल लेगा, लेकिन निकाले पेटी एक्सपेंसेस के लिए है, लेकिन अभी खर्च नहीं किए। जब खर्च करेगा तब क्या आएगा, आपके कैश आएगा। ये खर्चा ऐसा है जिसमें आपको कैश अकाउंट लिखना है, बाकी सारे खर्चे आपको बैंक अकाउंट में लिखने हैं। हेमंत अपना व्यक्तिगत आरएन ड्रॉइंग कहाँ से करेगा, वो बैंक से करेगा। चाहो तो अपने घर से भी कर सकता है, लेकिन घर से करने के अलग से ले रखी वैसे 200 रुपये। इसने कहा है कि वो ड्रॉइंग और कहाँ से करेगा, और एक्स्ट्रा करनी है कहाँ से करेगा, वो बैंक से करेगा। ये दे रखे हैं बैलेंस, कोई लाख मेरा क्रेडिट और पेमेंट करना है 20,000, सेल्स दे रखी 30,000 और ड्रॉइंग दे रखी 200 रुपये की। वो अपने जो भी अपने रोकड़ है, रोकड़ में से खर्च कर रहा है, ये अपने घर ले जा रहा है। अब सभी एंट्री की बात करना है आपको, दो बार लिखी जगह आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले देखो हेमंत छोटे हो गया आपके पे, ये खर्चा का थोड़ा ध्यान रखना है, ये वाला पेटी एक्सपेंसेस का, ये खर्चा आपको कैश से करना है, चेक से नहीं करना है। फिर भी देखो इसने पेटी एक्सपेंसेस के लिए प्रत्येक माह का 500 रुपये वो घर से निकालता है पैसे, इससे पहले आप बैलेंस लिख दो सबसे अच्छा है, ताकि यहाँ पर आपके बैलेंस बी सी डी में तो सही आ जाए प्रॉब्लम। उसके लिए पहले ये लिख लो आप, सबसे पहले 1 तारीख के भी बैलेंस दे रखे, ये भी दे रखे, ये बैलेंस दे रखे, इसका मतलब आपको ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग कैपिटल दी नहीं, तो आपको ओपनिंग कैपिटल की क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे ऐसा देखो, ये सबसे पहले ये वाला पॉइंट कैश मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है आपके 320, और कहाँ आएगा कैश, दो बार लिखना है कितना कहाँ आएगा कैश अकाउंट, ये आ जाएगा टू बैलेंस बी डी कितना आ जाएगा 320। ये क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है तो क्लोजिंग बैलेंस आपके कहाँ आएगा इस बैलेंस शीट में, यहाँ आएगा कैश कितना देर का है आपके 200 रुपये। अब यहाँ आएगा आपके बाई बैलेंस सीडी, ये कितना आ गया आपके 200 रुपये। अगला देने का बैंक का, तो बैंक में तो ये रहा बैंक का, इसमें कहा है ओपनिंग बैलेंस कितना देर 2,500 देर का, तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस बीडी कितना देर का है 2,500 रुपये। ओपन बैलेंस और कहा आता है आपके बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में, यहाँ आ जाएगा बैंक कितना आ जाएगा 2,500 रुपये। फिर दे रखा है आपके बैंक ओवरड्राफ्ट, पैसा माइनिंग चला गया, वैसे बैंक बैलेंस भी इधर आता है, सीधी आपके इधर आता है, लेकिन पैसा कहाँ चला गया आपके माइनस में, तो आप यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी यहीं पर कितना हो जाएगा आपके 5,000 रुपये। और उस बैलेंस शीट में भी आएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, लेकिन यहाँ आएगा आपके बैंक का ओवरड्राफ्ट, जो पैसे किसमें है आपके माइनस में है। अगर माइनस में नहीं होते तो जैसे यहाँ बैंक आया वैसे यहाँ भी आता आपके बैंक आता कितना देर का है आपके 5,000 रुपये। ये पॉइंट पूरा कंप्लीट, ये पॉइंट पूरा कंप्लीट। अब ये वाला डेटर, डेटर का ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा आपके डेप्टर, ये देर का है आपके 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस वहां आएगा आपके 30,000, तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आपके यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा आपके 30,000। अब इन्हीं 20 और 30 को दो बार लिखना, और कहा लिखे डेटर अकाउंट, ये डेटर अकाउंट, डेटर क्या होती है संपत्ति एसेट्स होती है, तो यहाँ आएगा आपके टू बैलेंस बीडी, हमारे पास ओपन डेटर कितने हैं 20,000 के हैं, क्लोजिंग डेटर कितने हैं आपके बैलेंस सीडी, ये दे दिया है आपके कितना है 30,000। क्रेडिटर में वही है आपके, तो क्रेडिटर क्या देर का 20 और 30, कल लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना देर का है 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्रेडिटर की लास्ट बैलेंस शीट में, तो यहाँ आ जाएगा आपके बैलेंस क्या नाम है क्रेडिटर, क्रेडिटर आ जाएगा कितना आपके 30,000 क्लोजिंग बैलेंस।
अब यहाँ भी लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, लेकिन ये लाइबिलिटी है तो इधर आएगा बाई बैलेंस बीटी, ये हो जाएगा आपके 20,000 और टू बैलेंस सीडी ये हो जाएगा आपके 30,000। अब है आपके और क्या देखेगा इसके अंदर, स्टॉक, ये दिया भोपाल लिख दिया, अगला है ट्रेडर हो गया स्टॉक। स्टॉक देखो आपके यहाँ आएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर स्टॉक लिखा तो ये ओपनिंग का ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा आपके 10,000 और स्टॉक यहाँ भी आएगा आपके कितना हो गया स्टॉक आपके 30,000। ओपनिंग यहाँ तो जाएगा, ओपनिंग आता है ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग आता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, यहाँ ओपनिंग नहीं है, ये लास्ट ईयर का ओपनिंग है, तो लास्ट में एक दिन पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। अब ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ आएगा, ओपनिंग कितना दे रखा है आपके 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आता है बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा आपके 30,000। तो ये इस साल के लिए क्लोजिंग स्टॉक है और पिछले साल के लिए ये क्लोजिंग स्टॉक है, ताकि आगे आगे क्या बन जाएगा आपके ओपनिंग बन जाएगा। ये भी दो बार लिख दिया हमने, ये भी हो गया, क्रेडिटर को पेमेंट करो कितना करना है 20,000। तो क्रेडिटर कहाँ रहा ये रहा, पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या होती है, पैसा दिया उसको एंट्री क्या होगी, क्रेडिट रिकॉर्ड दिया टू कैश, ये आ जाएगा आपके टू कैश के बैंक लिखेंगे, हमारा दो खाते हैं कैश भी और बैंक भी, कैश आएगा बैंक आएगा। यहाँ मैंने पहले लिखा रहा पीटी एक्सपेंसेस के अलावा सारे खर्चे कहाँ जाएंगे आपके, चेक से पेमेंट होंगे सारे खर्चे, कहाँ आएगा बैंक आएगा, और बैंक कितना आएगा कितना लिखा हुआ है 20,000, ये और कहाँ आएगा बताओ बैंक अकाउंट, ये रहा बैंक अकाउंट, यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर, एंट्री क्या होती है क्रेडिट टू बैंक, बैंक अकाउंट क्रेडिट लिखेंगे, क्रेडिट अकाउंट बैंक लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा आपके ये देर का है कितना 20,000। फिर और क्या देर का है, सेल्स की है 30,000 की, तो सेल्स की एंट्री क्या होती है आपके माल बेचा, डेट रिकॉर्ड दिया टू सेल्स, ये आ जाएगा आपके टू सेल्स, कितना है डेट रिकॉर्ड टू सेल्स कितना है 30,000। सेल्स को कहा भेजेंगे सेल्स अकाउंट, सेल्स क्या होता है उसको दिया कर दो सेल्स अकाउंट दिया टू ट्रेडिंग को, तो टू ट्रेडिंग तो बाई में क्या आएगा आपके सेल्स, यहाँ लिखेंगे बाई सेल्स, कितना हो गया है आपके 30,000। फिर दे रखा है रोकड़ पैसे हमने ड्रॉइंग की, तो एंट्री क्या होती है ड्रॉइंग करने की, ड्रॉइंग अकाउंट यार टू कैश पैसा गया तो टू कैश, यहाँ आ जाएगा आपके कैश अकाउंट में आएगा, यहाँ पर यहाँ क्या आ जाएगा बाई ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कितनी की हमने 200 रुपये की, और ड्रॉइंग का आएगा आपके बैलेंस शीट में, यहाँ आएगा देखो बाद में, इसको और ध्यान रखना है इस पॉइंट पर, ये अभी हमें करना है, एक बार लिख दिया एक बार करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या करना है समस्त प्राप्त राशि, अब प्राप्त राशि कहाँ से होगी, पहले खाते बंद करो, पहले सबसे पहले ये अकाउंट बंद करो, पहले यही कर लो बंद, ताकि आपके यहाँ क्या आ जाए आपके ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाए आपको ज्ञात हो जाए। तो कितना होता है देखो 10 और 20 30 30 और 2 32 32 820, ये होता है 32,820, याद भी कर देंगे हम 32,820, 32 में से 20 गए 12,820, यह आएगी आपके कैपिटल, कितना आ जाएगा 32,000 के 12,820 के अंदर क्या करेंगे लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे हम ड्रॉइंग लेस करेंगे और ऐड करेंगे क्या नेट प्रॉफिट, उत्तर आएगा वो हम बाहर लिखेंगे। अब ये तो कभी खत्म बंद हो गया आपके, अब ये वाला बंद करो, इसमें देखो यहाँ कितने होते हैं आपके 50,000, तो यहाँ भी कितना कर दो 50,000। अब जो अंतर है वो क्या कहलाएगा, चार चीजें बताई थी, अरे वो डेटर अकाउंट है परचेज कहाँ से आएगा, तो क्या आएगा सेल्स, आगे इधर आती सेल्स कैश, चार पॉइंट मैंने बताए थे बैलेंस सीधी सेल्स उधर कैश और बैलेंस सीधी, पढ़ो घर जाकर पढ़ो एक बार, क्या आएगा आपके कैश नहीं आएगा, कैश भी नहीं आएगा, क्या आएगा बैंक, लिखा हुआ है जो भी पैसे मिलते हैं वो कहाँ जाएंगे आपके बैंक में जाएंगे, तो इसलिए आपके 50 में 30 कितने बचे आपके 20,000 बचे, और बैंक में गए तो नई एंट्री दो बार लिखेंगे, ये बाई में दिया क्या आएंगे आपके टू में,
तो टू में क्या आएगा आपके डेटर अकाउंट कितना है आपके 20,000। अब ये अकाउंट बंद कर दो, ये कितना होता है आपके 50,000, ये भी कितना कर दो आप 50,000, 50 में 20 कितने बचे आपके 30,000। अब ये क्या आएगा परचेज, इधर मैंने बताया हुआ है बैंक बैलेंस की भी है, बैंक क्या कैश कर सकते हो, इधर आपके परचेज और बैलेंस की भी, तो अंतर क्या क्या आएगी आपके परचेज, यहाँ लिख सकते हो अंतर क्या है, यहाँ लिख सकते हो ये क्या है आपके अंतर की राशि परचेज हो जाएगी। अरे जी दो लिखेंगे, अब परचेज और कहाँ आती है, परचेज आती है आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे, यहाँ लिखेंगे परचेज, परचेज हो जाएगी कितनी आपके 30,000। ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया आपके। अब तो और कौन सा पॉइंट, अब ये खाता बंद करना है, ये दोनों बंद करने आप, उससे पहले इसने कहा खर्चों के लिए हमने क्या निकाले हैं, पैसे निकाले, देखो पैसे निकाले हैं ध्यान देना, पेटी एक्सपेंस के सारे पेटी एक्सपेंस के अलावा सभी खर्चे कहाँ से होंगे, आपके चेक से होंगे, मतलब जो खर्चा करेंगे वो चेक से करेंगे, लेकिन ये खर्चा नहीं करेंगे क्या इसके अलावा, उसका मतलब पेटी एक्सपेंसेस जो करेंगे वो कैश में करेंगे, हम बैंक से नहीं करेंगे। फिर भी जब वो नीचे लाइन लिख दी कि पेटी एक्सपेंसेस के लिए हमने पैसा निकाले बैंक से, हमने पैसे निकाले बैंक से, खर्चा थोड़ी किया, क्योंकि खर्चा क्या कहा, खर्चा हम कैश में से करेंगे, बैंक से लाए हुए पैसों से नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसने कहा पैसे तो निकाले हम बाप 500 रुपए पर मंथ पैसे निकाल रहा है, कहाँ से निकाल रहा है बैंक से, फिर लाकर वो बाद में जैसे कैश में जमा करेगा उसके बाद उसमें से क्या करेगा, वो खर्चा करेगा, वो बैंक से लाए सीधे वो नहीं करेगा, या ऐसा नहीं करेगा कि दुकान पर गया और वहां जितना भी सामान हुआ खर्चा हुआ इसने चेक दे दिया, वो होता है तो बैंक से नाम आता है, और एक होता है कि आपने खुद रोकड़ दिया तो कैश से कम होगा, अगर आपने हाथ से रोकड़ दिया तो कैसे कम होगा, और अगर आपने उसको चेक लिख के दिया है तो पैसे कहाँ से कम होंगे आपके बैंक से कम होंगे। लेकिन ये क्या कर रहा है, मैं पैसे निकाल रहा हूँ 500 रुपए हर महीने बैंक से निकाल रहा हूँ, बैंक से निकालूंगा लेके आऊंगा और फिर आके खर्चा करूंगा, तो दो चीज होगी, एक तो बैंक से पैसे निकलेंगे आपके, आपके कैश आएगा, कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ने के बाद वहां से हम खर्चा करेंगे पेटी एक्सपेंसेस के लिए। तो देखो तो अगर बैंक से मैं पैसा निकाल रहा एंट्री क्या होगी, पैसा आया एंट्री क्या होगी, ये कॉन्ट्रा एंट्री बोल सकते हो आप, तो दोनों खातों को साथ बनाकर टू कॉलम केस बुक भी बना सकते हो, टू कॉलम केस बुक कंफ्यूज हो गया इसलिए मैंने अलग अलग ही बनाया। अब इसमें क्या होगा आपके बैंक अकाउंट या के टू केस क्या उल्टा है, पैसे आ रहे हैं केस अकाउंट या टू बैंक, एंट्री क्या होगी आपके कैश टू बैंक, या तो क्या आएगा आपके टू बैंक, और यहाँ क्या आएगा आपके बाई कैश कितना रुपए 6,000 यहाँ निकाले 6,000 यहाँ जोड़े, और 6,000 हम यहाँ क्या करते हमने जमा कर दी, क्योंकि जो यहाँ पेटेंस मत लिखना आप, क्योंकि पेटेंस गलती हो जाएगी, क्योंकि इसने साल में साफ तौर लिख रखा है पेटी एक्सपेंसेस आपके चेक से नहीं होंगे, तो यहाँ पर आपके पेटी एक्सपेंस का नाम नहीं आएगा। अब और क्या बचा है इसमें, ये भी हमने कर दिया, पैसे नहीं निकालते 6,000 कैसा है 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 महीने के पैसे यहाँ से तो कम हो गए और यहाँ आकर आपके जुड़ गए। अब और कोई पॉइंट बाकी है, सारे पॉइंट हमने कर दिए, ड्राइंग बाकी है, लेकिन ड्राइंग ये ड्राइंग हुई है, अब ये क्या कह रहा है ड्राइंग और भी है और कहाँ है वो आपके बैंक से, मतलब अंतरराष्ट्रीय होती है और तो कुछ है नहीं आपके पास, पहले ये खाता बंद करो, ये नोट कितनी होती है, ये होती है आपके 6,320, यहाँ भी कर देंगे 6,320। अब बताओ इधर क्या आता, इधर आप खर्चा है, खर्चा कौन सा है पेटी एक्सपेंसेस, यही खर्चा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पेटी एक्सपेंसेस, वो भी आपके अंतर की राशि कितना हो जाएगा 6,320 में 400 रुपए, कितना बचे आपके 5,920 रुपए, ये कहाँ आएगा पेटेंस कहाँ आता है पीएनएल के अंदर आता है, तो यहाँ लिखेंगे टू पेटी एक्सपेंसेस कितना है 5,920। अब यहाँ भी अंतर होगा, यहाँ अंतर क्या होगा देखो आपके बैंक अकाउंट में ये कितना ज्यादा हो रहा है 20 और 5 25 25 और 2,5 27,500, यहाँ भी क्या कर देंगे हम 27,500 कर देंगे, लेकिन यहाँ कितने 26,000 हो गए, अंतर क्या आएगी ड्रॉइंग आई, क्योंकि लिख रखा है कि हेमंत अपना व्यक्तिगत आर्म कहाँ से करता है बैंक से, या बैलेंस शीट नहीं आएगा, बैलेंस शीट आ चुका है,
उल्टा आ गया, जो ज्यादा हो इसलिए ये पहले दे रखा है, पहले सीट तो पहले दे रखा है, हमें निकालने जरूरत नहीं है। तो अंतर क्या आ जाएगा, आपके ड्रॉइंग आ जाएगी, वो भी आपके अंतर की राशि, और कितना रुपए है आपके 1,500। और ड्रॉइंग में दो बार की, यहाँ भी ड्रॉइंग की और 200 रुपये यहाँ भी किया, कितना हो गया आपके 1,700 रुपये। 200 रुपये भी हमने ड्रॉइंग की है और 1,500 भी हमने ड्रॉइंग की है, टोटल कितना होता है 1,700। तो घटाओ तो ये होता है आपके 11,120 रुपये, नहीं होता है 11,120। इसके अंदर जोड़ेंगे टेट्रो पे, उसके लिए पहले हम वहाँ याद करेंगे, लाभ हानि याद करेंगे, ये कितना होता है 60,000। तो यहाँ भी क्या कर देंगे हम 60,000 कर देंगे। अंतर राशि क्या कहलाएगी आपके ग्रॉस प्रॉफिट, 60 में 40 गए 20,000, इसको दो बार लिखेंगे यहाँ भेज दो इधर, ये क्या आ जाएगा आपके बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20,000। अब 20,000 में से गया है आपके 5,920, तो पीछे कितना बचेगा आपके नेट प्रॉफिट आएगा, बताओ 14,080। पच्चीस सौ कितना होते हैं अब 25,000 पच्चीस और 30 कितना हो गए आपके 60,200। यार देखो 30 और 30 कितना हो गए 60,200। आपको मालूम है कौन सा कहाँ लिखना है, इन पॉइंटों का भी थोड़ा सा ध्यान देना है, जो पॉइंट दे रखे तो आराम से हो जाए क्वेश्चन।